नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि जीना डायोड से डीसी पावर सप्लाई बनाते समय इस रजिस्टर की वैल्यू, इस रजिस्टर का वाटेज और जीनर का वाटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ये भी बताएंगे कि इस रजिस्टर और इस जीना डायोड को कैसे सेलेक्ट करते हैं। हम मान लीजिए हमें एक डीसी सप्लाई डिजाइन करनी है 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर के लिए और लोड ऐसे लगेगा। लोड लगा दिया तो अगर 0.1 एम्पियर के लिए डिजाइन करनी है तो हम 0.12 एम्पियर के लिए डिजाइन करते हैं 20% एक्स्ट्रा करंट के लिए। वो इसलिए कि इस रजिस्टर में कुछ टॉलरेंस होगा, इस जीना डायोड के वोल्टेज में कुछ टॉलरेंस होगा और जीना डायोड के ऑपरेशन के लिए कुछ यहाँ करंट चाहिए, तो इसलिए हम इतना एक्स्ट्रा लेते हैं। जो डीसी सप्लाई बनती हैं वो कम करंट के लिए बनती हैं। हम आपको 0.1 एम्पियर की डिजाइन बता रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये 0.1 से भी कम करंट के लिए बनती हैं। तो जो डीसी सप्लाई हम डिजाइन करेंगे वो होगी 5 वोल्ट और 0.12 एम्पियर। ठीक है, 0.12 एम्पियर यहाँ फ्लो होगी। अब इस रजिस्टर में इस पॉइंट का वोल्टेज है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 12 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 12 माइनस 5 7 वोल्ट हो गया। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 7 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। वोल्टेज है 7 वोल्ट और करंट कितनी है? 0.12 एम्पियर। 0.12 एम्पियर तो ये आ गया 58 ओम। तो इस रेजिस्टर की वैल्यू हो गई 58 ओम। और पावर कितनी हुई? पावर होती है वोल्टेज गुणा करंट। वोल्टेज है 7 वोल्ट और करंट है 0.12 एम्पियर, तो यह मल्टीप्लाई होके आ गया 0.84 वाट। तो इस रजिस्टर की रेटिंग हो गई 58 ओम और 0.84 वाट। यहाँ हमने लगभग लिख दिया 0.8 वाट। ठीक है, रजिस्टर की रेटिंग हमको पता चल गई। आप जीना डायोड की पावर पता लगाते हैं। जेड मतलब जीना डायोड, तो फार्मूला होता है पावर का वोल्टेज गुणा करंट। तो जीना डायोड का वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट और इसमें करंट कितनी बह रही है? 0.12 एम्पियर। देखिए अभी हमने कोई लोड नहीं लगा रखा तो पूरी करंट इसमें जाएगी 0.12 एम्पियर। ये जो जीना डायोड डिजाइन करते हैं फुल लोड करंट के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब लोड नहीं होगा तो इसमें फुल करंट बहेगी। तो ये आ गया 0.6 वाट। तो जीना डायोड की रेटिंग आ गई 5 वोल्ट और 0.6 वाट। ये हमारी कैलकुलेशन से आई है। ठीक है ना? अब हम रजिस्टर को सेलेक्ट कैसे करेंगे? देखिए रजिस्टर कि जो वाटेज आई है 0.8 वाट कैलकुलेशन से, मगर कैलकुलेशन की वैल्यू और सिलेक्शन की वैल्यू अलग होती है। तो 0.8 से हम ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, कम से कम 2 वाट। वो इसलिए कि अगर आप इस रजिस्टर की डेटा शीट देखें तो आपको पता चलेगा कि 0.8 वाट लोड के लिए बहुत सारी कंडीशन हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेशन से 0.8 वाट आई, मगर हम 2 वाट का रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे। अब रजिस्टर की वैल्यू, अब 58 ओम का तो रजिस्टर मिलता नहीं, बाजार में नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं?
दो रजिस्टर पैरेलल में लगा देते हैं, 120 ओम और 120 ओम, तो पैरेलल में होके इनका टोटल रेजिस्टेंस 60 ओम आ जाएगा। आप सीरीज में भी लगा सकते हैं कुछ अलग वैल्यू के, हमने पैरेलल के बारे में बताया है, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 60 ओम, 58 अभी भी नहीं आएगा। और चूंकि 2 वाट टोटल चाहिए तो एक की वैल्यू होगी 1 वाट, तो हम 120 ओम 1 वाट के दो रजिस्टर पैरेलल में लगा देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा 60 ओम और 2 वाट। ठीक है, तो रजिस्टर का सिलेक्शन हो गया। इस रजिस्टर के आप और भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब जीना डायोड की कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.6 वाट, मगर ये भी आप ज़्यादा रेटिंग का लीजिए, 2 वाट का लीजिए। आप जीना डायोड की भी डाटा शीट देखिए तो डेटा शीट में बहुत सारे लिमिटेशन होंगी, ये टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसे ठंडा करना है। ओके, तो आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए। तो हमारा रेजिस्टेंस का सिलेक्शन क्या हुआ, 120 ओम 1 वाट के दो नंबर, यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया है, ऐसे लगेंगे। और जीना डायोड 5 वोल्ट और 2 वाट का जीना डायोड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मैंने दो सर्किट दिखाए हैं, जीना डायोड सप्लाई का सर्किट वही है, मगर यहाँ पे हमने लोड लगा दिया है 0.1 एम्पियर का और यहाँ लोड नहीं लगा है। तो जब लोड नहीं लगाएंगे तो पूरा 0.12 एम्पियर जीना डायोड में जाएगी, लेकिन जब लोड लगा देंगे तो इस रजिस्टर में अभी भी उतनी ही करंट बहेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मगर 0.12 एम्पियर में 0.1 एम्पियर लोड में चली जाएगी और 0.2 एम्पियर जीना डायोड में। और अगर लोड कुछ और वैल्यू का है तो ये अलग अलग करंट होगी, ये टोटल करंट वही होगी, ये लोड करंट होगी और बाकी बची हुई जीना डायोड की करंट होगी। तो जब आप लोड नहीं लगाएंगे तो जीना डायोड में मैक्सिमम करंट बहेगी और ये ज़्यादा गर्म होगा, और जब लोड लगा देंगे तो जीना डायोड में करंट कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप और ज़्यादा लोड बढ़ा दें, 0.1 की जगह 0.2 एम्पियर कर दीजिए, तो करंट तो मिलेगी नहीं, क्योंकि रजिस्टर जो है करंट लिमिट कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट से मैक्सिमम आप 0.1 एम्पियर लोड लगा सकते हैं। जब लोड लगा देंगे तो ये रजिस्टर उतना ही गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।